दमोह में अब आरएमपी डॉक्टरों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है और सरकार के दोहरे रवैये से नाराज है। दरअसल प्रदेश में लगे लॉकडाउन के चलते जिले के समस्त आरएमपी डॉक्टरों की क्लिनिक बीते एक महीने से बंद पड़ी है। अब इन पर भी रोजी रोटी का संकट गहराया हुआ है। इन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि हमें भी अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलने की अनुमति दी जाए। इतना ही नहीं, इन डॉक्टरों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही झोला छाप डॉक्टर के नाम से संबोधित करने पर भी आपत्ति दर्ज की है। आरएमपी डॉक्टरों पर वर्तमान में कई जगह प्रशासन द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो डॉक्टर डिग्री होल्डर थे उन्हें भी नहीं बख्शा गया, जिसे डॉक्टरों में खासी नाराजगी है। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने वैद्य होने का प्रमाण कुछ इस तरह दिया कि आप भी देखकर और डॉक्टर की दलीलें सुनकर हैरान रह जाएंगे। सर, समस्याएं क्या है? शासन के कुछ आदेश ऐसे थे कि आप अपना दवा खाना बंद रखिए, आप उचित प्रमाण नहीं रखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन हमारा शासन से अनुरोध है कि हमारे पास वैध मान्यता प्राप्त दस्तावेज हैं और उनका प्रमाण भी मेरे पास है। शासन कार्रवाई करे, जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं हैं, मैं शासन के विरुद्ध नहीं हूं और मेरे पास जो दस्तावेज है मैं उनको दिखाना चाहता हूं। एक मिनट के लिए, मध्य प्रदेश आयुर्वेद बोर्ड का ये प्रमाण पत्र है जिन्होंने हमें दिया है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सरकार उसे अमान्य कर देती है। लेकिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जिनका ये हमारे पास प्रमाण पत्र है कि 3/11/89 तक आप मध्य प्रदेश में वैध हैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए। इसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में विधानसभा में एक क्वेश्चन प्रमाणित किया था कि आप 3/11/89 तक वैध हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वर्तमान में अभी 7/11/2020 में मैंने बोर्ड से आग्रह किया, उन्होंने ये दस्तावेज दिया कि आज दिनांक तक 33,053 लोग मध्य प्रदेश बोर्ड में रजिस्टर्ड पंजीबद्ध हैं। अगर पंजीबद्ध हैं तो सरकार कैसे इनको झूला छाप या फर्जी कह सकती है? इस आधार पर हमें प्रैक्टिस का अधिकार मिलना ही चाहिए। कोरोना काल में सभी लोग परेशान हैं और हम सब डॉक्टर लोग भी परेशान हैं, और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जो हम लोग कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, गांव-गांव में नेटवर्क फैला हुआ है और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इस कोरोना काल में हम लोगों को हमारी सेवाएं लें और सेवाएं लेने के बाद हमारा और हमारा भी परिवार चल सके। इससे बड़ी दिक्कत हो रही है और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि लोग एक शब्द में सबको झोला छाप बोल देते हैं, ये गलत है और इससे मनोचिकित्सकों को बहुत ही आघात होता है, क्योंकि ये जो सेवाएं देने वाले कर्मशील लोग हैं, हम लोग हर जगह गांव-गांव में गली-गली में गांव देहातों से जुड़े हुए लोग हैं। जब एक साल का ट्रेंड बच्चा अगर सर्विस दे सकता है तो हम लोग तो 20 साल 25 साल 30 साल वाले लोग हैं और जो इस विधा से कई सालों से लगातार कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, लोगों से भी जुड़े हुए हैं, और हम लोग प्राथमिक उपचार करके सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं और लोगों को सरकारी चिकित्सालय तक भेजते हैं। जिला अस्पताल का लोड हम लोग बहुत कम कर लेते हैं। लेकिन आपके साथियों पर तो कार्रवाई की जा रही है, बंद की और सील बंद किया जाता है क्लिनिक। भाई, अगर कार्रवाई करी जा रही है तो उसको सही देख के किया जाए। जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है और इसका हम आपका समर्थन करते हैं। अगर जो लायक हैं, जो डिग्री वाले हैं, जो कहीं ना कहीं से उन्होंने अपनी कोर्स किया हुआ है, तो उनके लिए सबको एक साथ ना टोला जाए और ये शब्द झोला छाप ना लिया जाए। ये शब्द बहुत ही ख़राब शब्द होता है, क्योंकि हम रक्षक हैं, गांव-गांव में हम लोग सेवाएं देते हैं, ठंड हो, बारिश हो, कैसे भी मौसम हो, हम लोग सेवाएँ देते हैं। जबकि 2018 में निजी चिकित्सा पंचायत सम्मेलन में खुद प्रदेश के मुखिया ने भरी सभा में ये बयान दिया था कि प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था काफी हद तक आप जैसे डॉक्टर से ही संभाले हुए हैं। एमएस करके आया, कोई और यूनानी चिकित्सा पद्धति वाला आया, कोई होम्योपैथी वाला आया, और कई जगह तो कोई सहारा नहीं था तो बंगाली डॉक्टर जम के जा रहे हैं। अब हाँ, तो वही सहारे, क्योंकि इंटीरियर में अगर आदमी बीमार हो जाए तो कहाँ जाए, तो डॉक्टर साहब के पास गए, उनने इलाज किया और बेहतर हो गए। मैं
मैं कोई केवल विनोद में ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि आज भी लाख व्यवस्था करने के बावजूद भी हम एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पाए। सहारा अगर है तो आप। अगर इस व्यवस्था को समाप्त कर दें तो हमारे पास है नहीं डॉक्टर, कितने हम भेज दें गांव-गांव का। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।